एक तरफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी भी डरे नहीं हैं। बात करने वाले हम कानपुर की, जहां पर एक मुस्लिम शख्स को इसलिए जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि उसने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा दिया। यह मामला जो है ये कुशीनगर का है, जहां पर बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या की घटना के बाद अब कानपुर में यह परिवार बहुत डरा हुआ है। पुलिस अधिकारी जल्द धमकी देने वालों को गिरफ्तारी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाबर के मामले के बाद एक और घटना ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या बीजेपी को समर्थन करना किसी मुस्लिम व्यक्ति का इतना बड़ा गुनाह है? राशिद हुसैन ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। धमकी भरे इन शब्दों में डर है, खौफ है, नफरत वाली लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी का समर्थन करने पर इस शख्स की जान पर बनाई है। कसूर बस इतना कि बीजेपी विधायक ने इस शख्स के गले में माला पहनाई। शकील नाम के शख्स ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया तो बस इतनी सी बात समाज के चंद ठेकेदारों को इतनी चुभ गई, बात कहा सुनी से बढ़कर गर्दन काट देने वाली धमकी तक पहुंच गई। 26 तारीख को शाहनवाज हुसैन के भाई राशिद हुसैन ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, यहाँ के मुसलमानों के साथ मिलकर रहो। कानपुर के शकील अहमद और उसके परिवार का ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके जहन में कुशीनगर के बाबर के साथ हुई हैवानियत का खौफ है, जिसने बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी तो पड़ोस के लोगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पीट पीट कर बाबर की जान ले ली। पड़ोसी अब उसी तरह से शकील अहमद को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करने पर लगातार धमका रहे हैं। पर ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था, तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई। और उसके बाद फिर वोटिंग से एक दो दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। उधर किदवई नगर थाने में शकील अहमद की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। हालांकि जान से मारने की धमकी के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। थाना किदवई नगर क्षेत्र में शकील अहमद के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, इस पर थाना हजारपुर FIR दर्ज है। इसमें उनका आरोप है कि कुछ प्रतिपक्षी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट इत्यादि की गई है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो फैक्ट्स इस विवेचना में आएंगे उनको समाहित कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब कानपुर में भी बीजेपी के मुस्लिम समर्थक पर ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक खुद इस मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिला रहे हैं। शकील को धमकी देने वालों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं। जूहीलाल कॉलोनी की घटना बड़ी शर्मनाक घटना है, जिस प्रकार से कुशीनगर में भी हत्या की गई। मैं तो चाहता हूँ, हम सब पार्टी हमारी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सारे मुस्लिम समाज जुड़े, महिलाएं भी बुर्का पहन करके और छुप छुप करके हमको वोट दे रही है, ये वातावरण खत्म होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसने ये आजादी दी है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष ने की है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आज कहीं ना कहीं उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट करना, उनका समर्थन करना बहुत नागवार गुजर रहा है। कुशीनगर में बीजेपी के मुस्लिम समर्थक बाबर की मौत का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं कि अब कानपुर में बीजेपी के मुस्लिम समर्थक को जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। ऐसी घटनाएं समाज में सियासत के नाम पर फैलाई जा रही नफरत का सबूत है और नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।